हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड गॉसिप। कार्तिक आर्यन और तृप्ति डिमरी अपनी हॉरर कॉमेडी मूवी भूल भुलैया 3 के जरिए दिवाली पर धमाल मचाने आ रहे हैं। मेकर्स ने इस मूवी को हिट बनाने की पूरी तैयारी कर रखी है। इस मूवी में कार्तिक आर्यन और तृप्ति डिमरी के अलावा माधुरी दीक्षित, विद्या बालन और नित्या मेनन जैसे स्टार्स भी नजर आएंगे। मूवी भूल भुलैया 3 के ट्रेलर में इन सभी स्टार्स की झलक भी देखने को मिली है। बीते दिन ही भूल भुलैया 3 के मेकर्स ने टाइटल ट्रैक का टीजर रिलीज करके हंगामा मचा दिया था। इस गाने में पिटबुल और दिलजीत दोसांझ की जुगलबंदी सबका दिल जीत लिया है। इसी बीच भूल भुलैया 3 को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भूल भुलैया 3 में कियारा आडवाणी की भी एंट्री होने वाली है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इस बात का खुलासा तो खुद कार्तिक आर्यन ने ही कर दिया है। गलती से कियारा आडवाणी के बारे में बात करते हुए कार्तिक आर्यन ने सबको चौंका दिया है। एक इंटरव्यू में कार्तिक आर्यन ने कहा कि जब मैं कियारा आडवाणी के साथ शूटिंग कर रहा था, ये शब्द बोलते ही कार्तिक आर्यन रुक गए। कार्तिक आर्यन को एहसास हो गया कि उन्होंने एक बड़े राज से पर्दा हटा दिया है। ऐसे में कार्तिक आर्यन ने बिना देर किए बिना अपनी गलती में सुधार किया। कार्तिक आर्यन ने कहा कि मुझे विद्या बालन जी के साथ काम करने में बहुत मजा आया। कार्तिक आर्यन के इस बयान को सुनकर फैंस के कान खड़े हो गए और फैंस को यकीन होने लगा कि फिल्म भूल भुलैया 3 में कियारा आडवाणी की भी एंट्री होगी। मूवी के क्लाइमैक्स में ऐसा होने की संभावना है। इस दौरान कार्तिक आर्यन ने यह भी बताया कि मेकर्स मूवी में भूल भुलैया 3 को लेकर काफ़ी बातें छिपा रहे हैं ताकि लोगों की एक्साइटमेंट बनी रहे। करवा चौथ आने में अब काफ़ी कम समय बचा है। ऐसे में टीवी और बॉलीवुड की हसीनाओं ने करवा चौथ की तैयारी करना शुरू कर दी है। वैसे ही कुछ हसीनाएं ऐसी हैं जो कि इस साल करवा चौथ का व्रत ही नहीं रखेंगी। इन हसीनाओं ने कुछ समय पहले ही अपने पति से अलग होने का फैसला किया है। इनमें से कई का तो इस साल तलाक तक हो गया है। ऐसे में इन एक्ट्रेस के लिए करवा चौथ का कोई महत्व ही नहीं बचा है। अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको अदाकाराओं के बारे में बताने जा रहे हैं। नताशा स्टैनकोविक और हार्दिक पांड्या ने हाल ही में तलाक लेने का फैसला लिया था, जिसके बाद नताशा और हार्दिक पांड्या के फैंस के बीच में खलबली मच गई थी। अब नताशा तलाक लेने के बाद अपने करियर पर फोकस कर रही हैं। उर्मिला मातोंडकर ने अपने पति से अलग होने का फैसला किया है। उर्मिला और मोहसिन अख्तर मीर अब साथ में नहीं है। हालांकि अब तक भी उर्मिला और मोहसिन अख्तर मीर के तलाक की वजह सामने नहीं आई है। टीवी एक्ट्रेस अब भी अपने हक को पाने के लिए कोर्ट में जंग लड़ रही हैं। दिलजीत कौर का भले ही तलाक ना हुआ हो, लेकिन वो करवा चौथ का व्रत तो नहीं ही रख पाएंगी। ईशा कोप्पिकर भी इस साल करवा चौथ का व्रत नहीं रख पाएंगी। सालों से अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को संभालने की कोशिश कर रही शुभांगी अन्ने का भी इस लिस्ट में नाम शामिल है। सालों से अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को संभाल कर रखने की कोशिश कर रही शुभांगी अत्री भी इस लिस्ट में अपना नाम शामिल करती हैं। शुभांगी अत्री ने भी साल के शुरू में अपने पति को तलाक दे दिया था। साल की शुरुआत में ईशा देओल के तलाक की खबर ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थी। ईशा देओल ने भी अपनी शादी को तोड़ने का फैसला किया है। इश्कबाज स्टार नवीना बोले ने भी अपनी मां बनने के बाद अपने पति को छोड़ने का फैसला किया है। नवीना बोले के तलाक के बारे में जानकर हर कोई हैरानी में पड़ गया था। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की दशहरा के दिन गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बाबा सिद्दीकी की मौत की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग को सलमान खान का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। काला हिरन मामले की वजह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग सलमान खान के पीछे पड़ा हुआ है। बाबा सिद्दीकी की मौत होते ही सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसी बीच सोशल मीडिया पर विवेक ओबेरॉय का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में विवेक ओबेरॉय बिश्नोई समाज के लोगों की जमकर तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में विवेक ओबेरॉय कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप गूगल कर देख लीजिए, आपको कहीं भी ऐसा समाज नहीं मिलेगा। हमारे घर में औरतें बच्चों को गाय का दूध पिलाती हैं, लेकिन बिश्नोई समुदाय की महिलाएं उस हिरण को गोद लेती हैं जिसकी माँ मर जाती है। बिश्नोई समुदाय की महिलाएं हिरण को अपना दूध पिलाती हैं। ऐसा आपको दुनिया के किसी भी समुदाय में देखने को नहीं मिलेगा। बिश्नोई समुदाय के बारे में विवेक ओबेरॉय ने कई साल पहले बात की थी। हालांकि ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। विवेक ओबेरॉय का वीडियो उस समय सामने आया जब लोग सलमान खान से माफी मांगने की सलाह दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर सलमान खान बिश्नोई समाज से माफी मांग ले तो सारी मुसीबत ही खत्म हो जाएगी। वहीं लोग विवेक ओबेरॉय के वीडियो पर भी तेजी से कमेंट कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि विवेक ओबेरॉय भी सलमान खान से बदला लेना चाहते हैं। विवेक ओबेरॉय जानते हैं कि बिश्नोई समाज के लोग सलमान खान के दुश्मन हैं, तभी तो वो अपने दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो विवेक ओबेरॉय के इस पुराने वीडियो ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है।
बॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर संजय लीला भंसाली अपनी अगली मूवी में आलिया भट्ट, रणबीर कपूर और विकी कौशल की तिगड़ी से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने की प्लानिंग में लगे हुए हैं। इस मूवी का नाम लव एंड वॉर है, जिसके लिए संजय लीला भंसाली ने काम भी शुरू कर दिया है। मूवी का ऐलान काफी पहले हो गया था और पहले से दावा किया जा रहा था कि ये मूवी अक्टूबर तक फ्लोर पर आ जाएगी और इसकी शूटिंग शुरू होगी, लेकिन अब फैंस को इस मूवी के लिए और इंतजार करना होगा। आइए आपको इसकी वजह बताते हैं। संजय लीला भंसाली अपनी मूवी लव एंड वॉर पर काम कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में फिल्म की शूटिंग भी शुरू होने वाली थी, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग को 2 महीने आगे बढ़ा दिया गया है। दावा है कि मुंबई में भारी बारिश की वजह से फिल्म की शूटिंग को डिले किया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मूवी से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि संजय लीला भंसाली का ध्यान हमेशा मूवी की भव्यता पर होता है और वो चाहते हैं कि इस बार भी कुछ ऐसा ही खास हो, लेकिन बारिश की वजह से सेट को बनाने में देरी हो रही है। जब उन्होंने पिछले बार सेट का काम शुरू करवाया था तो बारिश की वजह से सेट टूट गए थे। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि संजय लीला भंसाली इस देरी को भी वरदान के रूप में देख रहे हैं। भंसाली को अब लव एंड वॉर की स्क्रिप्ट और म्यूजिक पर काम करने का और ज़्यादा टाइम मिल गया है। वो रणवीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल के साथ और भी ज़्यादा वर्कशॉप करने वाले हैं और म्यूजिक स्क्रिप्ट पर और भी ज़्यादा टाइम लेकर काम करने वाले हैं। ऐसे में अब मूवी की टीम नए शूटिंग शेड्यूल को सेट करने में लग गई है। बता दें कि संजय लीला भंसाली की ये मूवी ईयर 2026 में ईद के मौके पर रिलीज होगी। तो ये थी बॉलीवुड की कुछ रीसेंट गॉसिप्स। आपको ये कैसी लगी हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।